बस्तर पुलिस ने बस्तर के मोस्ट वांटेड की सूची जारी कर दी है। ये सभी हिंसा फैलाने वाले देश विरोधी माओवादी नक्सली हैं, जो बस्तर का विकास होने नहीं देना चाहते हैं। गत 5 दशकों से बस्तर क्षेत्र की शांति व्यवस्था एवं विकास के विरोध में माओवादी संगठन अनेक हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ये राष्ट्र विरोधी तत्व नहीं चाहते कि बस्तर देश के साथ तरक्की कर पाए। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात अब तक नक्सली हिंसा में 1800 से अधिक जनहानि हुई और करोड़ों की शासकीय और निजी संपत्ति की क्षति हुई है। लेकिन बस्तर की शांति प्रिय जनता माओवादियों की विकास विरोधी और मानव विरोधी चेहरे को पहचान करते हुए उनका साथ छोड़कर शासन प्रशासन एवं सुरक्षा बलों के संपर्क में आकर क्षेत्र में विकास कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस दौरान अनेक स्थानीय युवक युवतियां माओवादी संगठनों से मोहभंग होकर समाज की मुख्यधारा में जुड़कर एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। ऐसे में राष्ट्र विरोधी नक्सलियों से बस्तर को नक्सल आतंक से मुक्त करने के लिए पुलिस ने माओवादियों की प्रोफाइल तैयार की है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राजपी ने माओवादियों की मोस्ट वांटेड सूची जारी करते हुए क्षेत्रवासियों से उनके संबंध में जानकारी देने की अपील की है। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि माओवादियों के संबंध में जानकारी देने वाले व्यक्तियों का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा और उनके ऊपर घोषित इनाम राशि सूचना देने वाले व्यक्तियों को वितरित की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।